नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एम डिटेरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की जनरल क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होगी प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। और ये 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस ऑफ पेंटिकल्स स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको वर्कआउट करना चाहिए, या फिर दूसरी तरह कह सकते हैं कि आप के जो पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि वो आपके बिना स्टेबल नहीं हो सकते, वो आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अपनी खुशहाली देख रहे हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले पैसे से, प्रॉपर्टी से, उन चीज़ों से स्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक कार्ड्स के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए क्लैरिफिकेशन वाली भी रीडिंग इसको बोला जाता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो, या तो फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द मून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो अननोन फियर है, जो इस यानी कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा है जो उनसे छिपाया जा रहा है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में पनौती, बाधाएँ, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, फाइट्स हैं, ड्रामा चला हुआ है, लड़ाई चली हुई है, लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो लड़ाई झगड़े को, इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रही है, यानी कि वो खुश हैं इन चीज़ों को देख करके कि इसमें ड्रामा फाइट्स हैं, ये चीज़ें चली हुई है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं आप वो फील कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि या तो उस अननोन फियर से, इस डर से, इस परेशानी से इसे बाहर निकलें और इस लड़ाई झगड़े को जो अब तक चला हुआ है, जिससे परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उनको ख़त्म करते हुए वो इस आपके साथ एक सेलिब्रेशन करें, मतलब टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करें, ताकि जो गिले सिकवे हैं, जो परेशानी दुविधा हैं, जिससे वो अननोन फियर, जिससे डरे घबराए हुए हैं, वो क्लैरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके। या फिर अगर उन्हें बार बार महसूस हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही है, वो डरावने सपने देख रहे हैं, डर लग रहा है, वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो किसी की भी मान रहे हैं, तो वो जो है स्कॉर्पियो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनका वेट और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स जो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए रिश्ते के लिए उनके अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि ये रिश्ता एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें परेशानी और दुविधाएं हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो अगर इस चीज़ की उन्हें चिंता है तो यूनिवर्स जो उन्हें मौका दे रही है वो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकले और नई अपॉर्चुनिटी की तरफ रुझान करे, यानी कि नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करें। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। आप
सही समय सही वक्त आने का वेट इंतजार करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन को इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना तो रिश्ता बनाने के लिए ना तो रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, भले ही और अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन को उनका वेट और इंतजार करना चाहिए, उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब करने के लिए वेट इंतजार करना ही चाहिए, भले ही उनके पास और अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो क्योंकि आपको महसूस हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर भले ही चाहे आपके पास और उनके पास और ऑप्शन भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी एक माया जाल भरम जाल हो सकते हैं, उसमें भी वो फंस सकते हैं। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके नेगेटिविटी को बाहर ख़त्म करते हुए अगर वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल खुशहाल बनाना चाहते तो इस हील करें इस रिश्ते को। इस रिश्ते में अगर वो सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव सेल्फ केयर करेंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे, किसी को के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक चुप्पी और खामोशी के साथ वो अपना समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तब तक वो किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता और सही समय आने का सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, खुशहाली की तरफ जा सकता है, सुख समृद्धि की तरफ, नेम और फेम हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है, घर बनना घर बसना, स्टेबिलिटी खुशहाली सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। बस यही है कि इसमें सही समय आने का सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। और वो क्योंकि जो उनके पार्टनर हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त मग्न रहते हैं, सजते संवरते हैं, उनको सजना संवरना बहुत पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, पार्टीज में जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, गेट टुगेदर करना, ये सारी चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए वो आपको भी हैप्पी या खुश रखेंगे, तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते हैं कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, रिश्ते के बारे में बाद में सोचें। अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। तो वो चाहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लें, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए वो खुद पर फोकस करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उसके बाद वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा। गुड मैसेज यही होगा कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली होगी, नेम और फेम होगा इस रिश्ते में। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड्स हमारे आते हैं द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो यही आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ एक्शन लें, क्योंकि आप इस रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप अननोन नहीं हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो समझदारी और बुद्धिमानी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, चुप रहें, खामोश रहें, सही समय आने तक सही वक्त आने तक आप कुछ भी किसी के सामने कुछ ना बताएं, और इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत करने के लिए इस रिश्ते को हील करें। इसमें किसी सुपीरियर की मदद लें, किसी एल्डर गुरु की मदद लें, या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो इस रिश्ते में आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, और क्योंकि तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, इसमें हीलिंग होगी, तो क्योंकि नेगेटिव फेज से होकर ये रिश्ता गुजरा है, तो तभी इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो सकता है। और आप रूडली बिहेव ना करें, आप समझदारी के साथ इसमें मतलब इसमें चाहे ये एक्शन लेने में आपको थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप इसको इतने सख्त ना हो, इतने हार्ड ना हो, इतने लोगों के प्रति इतना सख्त रवैया ना करें, आप चीज़ों को सॉफ्टली हैंडल करें, मतलब इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें और इसमें आगे बढ़े, आप समय रहते इसमें डिसीजन लें। अगर समय रहते आप इसमें डिसीजन लेंगे और
सही वक्त आने का, सही जब तक चुप और चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक किसी के सामने कुछ नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता हील हो सकता है और इसमें काफ़ी खुशियां आ सकती हैं और काफ़ी सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम सारी चीज़ें धीरे धीरे इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं, हालांकि आप आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन और ऑप्शन होते हुए भी आपको लग रहा कि आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है, या फिर अपने पर्सन से आप ये चाहते हैं कि वो स्टक एनर्जी में ना रहे, रुका हुआ ठहरा हुआ महसूस ना करें, और अगर वो नई यूनिवर्स जी उन्हें नया मौका दे रहे हैं तो वो नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगे तो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो उन्हें इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं रहना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अभी इस रिश्ते से जो है मूव ऑन करें, अभी इस रिश्ते से बाहर निकलें, वो इसमें स्टक एनर्जी में ना रहें, यूनिवर्स जो उन्हें मौका दे रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो उसमें आगे बढ़े, अगर उन्हें ठीक लगे तो उसे उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर वो इस रिश्ते में ही वापस आना चाहते हैं तो जो भी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जिसकी वजह से वो अभी भी किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उन चीज़ों से वो पहले अपने आप को बाहर निकलते हुए फिर इस रिश्ते में, शुरू से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, उन बैगेजेस को वो पीछे छोड़ दें, उनको अपने साथ ले करना चले, यानी कि कहने का मतलब है कि अपने दुख तकलीफ को अपने साथ ना रखें, उनको छोड़ दें, रिलीज करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। उसके लिए आप किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी नॉन पर्सन की मदद ले सकते हैं, जो इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं, और जिनकी मदद से अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो है ये नज़रिया, ये जो है रिश्ता, रिश्ते में जो है स्ट्रोंग बनेगा, पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी, क्योंकि बहुत नाजुक दौर से शायद ये रिश्ता गुजर कर आया है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो, ये इकरार हो, ये वादा हो कि अब वो इस रिश्ते को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते में होंगी, लेकिन वो दूसरे रिश्ते में नहीं जाएंगे, उन्हें वही पर्सन वापस चाहिए, वही रिश्ता चाहिए, उसी रिश्ते में उन्हें स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहिए। तो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो उन पुरानी बातों को भुलाते हुए उनको पीछे छोड़ें और इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें और इसमें कमिटमेंट वगैरह करके आगे बढ़े। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्सिटी गाइड मी कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 19 से 25 फरवरी तक। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशहाली आ रही है, हालांकि इसको लेकर आप अभी भी डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, क्योंकि जहां तक जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, काफ़ी कठिनाइयों के बाद, काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद, काफ़ी सिचुएशन हैंडल करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको अभी भी डर है कि कभी आप जो पैसा, जो प्रॉपर्टी या जो इज्जत आपने कमाई है वो फिर से आपके हाथ से ना चली जाए, तो आप उसको बिंधे रखना चाहते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, तो इसलिए पहले अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाइए, इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से बाहर निकलिए,
निकलते या कह सकते इसका आउटकम के उनसे बाहर निकलते हुए अपने आप को आप स्टेबल करते दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मतलब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जी। इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा पहले अपने आप को रेस्ट दीजिए, आराम कीजिए, आराम दीजिए, क्योंकि अगर आप रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे, यानी कि इस प्यार व्यार के चक्कर से बाहर निकलते हुए आप 2-3 दिन के लिए रेस्ट फरमाएंगे और फिर उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो यूनिवर्स जो आपको नए आइडियाज़ दे रहे हैं, नए मौका दे रहे हैं, एक लक जो लक्की समय आपका आ रहा है, मतलब भाग्य भी आपका जो इन दिनों साथ देगा, तो अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, जो दुविधाएं, वो सारी ख़त्म होंगी। जो रिश्ता हील नहीं हो रहा था तो वो रिश्ता हील होगा, और अचानक से 4 कार्ड निकले हैं, जो इम्बैलेंस नहीं बन पा रहा था रिश्ते में, तो वो इम्बैलेंस जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ वो बैलेंस बनेगा। अगर दोनों परिवार एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करेंगे, समझेंगे कि दोनों इक्वल हैं, तो इक्वलिटी आएगी इसमें, इक्वल ये रिश्ता बनेगा, खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में और काफ़ी स्टेबल होगा ये रिश्ता, जिस चीज़ के लिए लेकर आप डरे हुए, घबराए हुए हैं। और अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, स्टेबल होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था तो वो बैलेंस बनने वाला है इधर, और काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी मजबूत, काफ़ी कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। इसकी जो है आउटकम वो बता रहा है कि काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता जा रहा है, बैलेंस आ रहा है, खुशहाली आ रही है, और जो जिस चीज़ से आप डरे हुए थे, जो आपका दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, एंजाइटी स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो वहाँ आपको रिलैक्स मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिलैक्स करने के बाद उन्हीं परेशानियों से को ख़त्म करते हुए आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, और तभी आपको ये स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और प्रेम मिलता दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि पहले खुद को हील कीजिए, क्योंकि नेगेटिव फेज से होकर ये रिश्ता गुजरा है, तो यूनिवर्स ही चाहते हैं कि पहले उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को समझिए, जो आपका दिल दुख रहा है, जो हर्टेड हुए हैं आप, जो प्रॉब्लम में रहे हैं, तो उनसे रिलैक्स कीजिए, उनसे बाहर निकलिए, और आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आपकी खुद की बनाई हुई है, उस जाल से, उस झंझट से बाहर निकलिए, और एक दूसरे से अगर आप खुल कर बातें करेंगे, तो उसने बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद करने के, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलने के, तो अगर आप जो बातें आपकी हो नहीं रही हैं, और अगर हो भी रही तो अच्छे लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो उन नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और पॉजिटिविटी लाइए, धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर दीजिए, और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई ये जो एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, तो इसके साथ अगर धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इसमें आपको खुशी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, धीरे धीरे करके छोटी सी अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि खुशहाली में तब्दील हो सकती है। तो आपको इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलना है, आँखों से पट्टियाँ खोलनी हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जिससे आप खुद गिरे हुए हैं उससे बाहर आइए, रिलैक्स कीजिए, और जो एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स है, जो दिल दुख रहा है, जो हर्टेड हुए हैं, उस भार से, उस बोझ से बाहर निकलिए, और तभी आप बिगनिंग और शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके रिश्ता आपके फेवर में आएगा और स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली मिलेगी, जो इम्बैलेंस था रिश्ता वहाँ बैलेंस मिलेगा, तो स्टेबल होगा ये रिश्ता और खुशहाल होगा। तो पहले जो है आपको पॉजिटिव बनना है, नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, तभी
आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।